एक लिमिट होती है, बंदा 1.5 फुट 2 फुट बाहर निकालता है ऊपर से, तो 4-5 फुट बाहर निकलेगा तो फिर वो गिरेगा ना। रेती डाल रहा होगा तो बिल्डिंग में लोड आया होगा और वो नीचे कोलैप्स कर गए। ये बन रहा है, बन रही थी, लोगों ने बोला था ये सही नहीं बन रही, तो मगर रोड नहीं माने हुए। बच्चा नहीं मिला है, बच्चे का वाइफ सब मिल गया, डेड हो गई। दोपहर से हमने इसमें 4 बॉडीज निकाली हैं। 4 बॉडी हैं, घर की हैं। किसी ने जाके पूछा कि आपके 4 बंदे मर गए, चलो मैं आपकी कब्र का खर्चा उठा लेता हूँ। इमारत के अंदर कुल मिला के ये लोग तो 9 की तादाद, जो इलाके मकीन थे उन्होंने हमें बताया कि 9 की तादाद थी, जिनमें से 4 बॉडीज़ हमने रिकवर करी थी। और इमारत गिरने की बुनियादी वजह तो यही होती है कि लो कॉस्ट मटेरियल सही है, जो सरिया इसमें इस्तेमाल किया गया, जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया वो बिल्कुल ही कमज़ोर था, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। हम जब सुबह यहाँ पर आए तो उस वक्त हमें इतला मिल चुकी थी कि 5 लोग जो ज़ख्मी थे उनको शिफ्ट कर दिया गया था। तो और उसके बाद जो है हमने 3 बॉडी मज़ीद रिकवर करी यहाँ से। और अभी हम जो है बच्चा एक है उसके उसमें सर्चिंग में लगे हुए हैं। ये पहला वाक़या है जो स्लिप के ऊपर आरसीसी बन रहा था और बहुत ही अवर बना हुआ था, एक अवर होता है ना उससे ज़्यादा अवर बना हुआ था। एक लिमिट होती है, बंदा 1.5 फुट 2 फुट बाहर निकालता है ऊपर से, तो 4-5 फुट बाहर निकलेगा तो फिर वो गिरेगा ना। ये बन रही थी, लोगों ने बोला था ये सही नहीं बन रही, तो मगर रोड नहीं माने वो काम करते गए इस तरीके से चलता लगा। नहीं सुबह ही 10 बजे गिरी है। हमने ये मुलाजम देखे, जब इसकी आवाज़ आई है हम आए, भागकर आए यहाँ, फिर जो देखा इसका मंजर पर अंदर से एक मजदूर फटे कपड़े से निकला, बड़ी मुश्किल से उस केज के निकाला। उसने आके बोला कि अंदर 3 बच्चे और 1 लेडीज़ और 1 जेंट्स मौजूद है अंदर। लेकिन उससे बाद मुनाजर दुनिया का रश पड़ गया, कुछ फिर हम कुछ नजर नहीं आया, तो खुद बीमार से साइड पर हो गए हम लोग। तो मैं सच बोलूँगा ना, कोई मानेगा नहीं। फिर लोगों के अंदर जो है ना पैसे की लालच है, जो भूख पैसे की बढ़ जाती है ना वो इंसानियत खत्म हो जाती है। ये पैसे की भूख है। आप लोग तरीके से घर बनाओ, तरीके से काम करो, हलाल करके खाओ, मेहनत कर रहे हो ना। उनको अब जो मरे हैं उनको कोई पानी भी नहीं पूछने जाएगा उनके घर पर। तो पूछने के 4 बॉडी हैं, घर की हैं। किसी ने जाके पूछा कि आपके 4 बंदे मर गए, चलो मैं आपकी कब्र का खर्चा उठा लेता हूँ, कोई गया पूछने? नहीं गया, क्योंकि सच कोई सुनेगा नहीं, तो किसी को बर्दाश्त होगा नहीं। जी अभी हमने 4 बॉडीज रिसेंटली, अभी दोपहर से हमने इसमें 4 बॉडीज निकाली हैं। और बाकी एक जो छोटे बच्चा है जिसके इलाके मकीन निशानदेही कर रहे कि वो एक पानी देने आया था अपने वालिद साहब को या अपने भाई को। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। उसकी तलाश अभी जारी है। किराएदार थे बिल्डिंग में, मालिक नहीं। ये लोग जो थे ये मजदूर थे जो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे थे। इनका कोई रेती का ट्रक था जो आया था, जिसकी मेरा एक असम्पशन है कि जिसकी वजह से वो रेती डाल रहा होगा तो बिल्डिंग में लोड आया होगा और वो नीचे कोलैप्स कर गए। 40 उसके ऊपर खड़ी हुई, जिसमें से नीचे 4 से 5 दुकानें स्लीपें लगा के दुकानें बनाए, उसके ऊपर आरसीसी बना रहे हैं। कितने मंजिला थे? ये केवल 3रा फ्लोर बन रहा था, इसके ऊपर बन गया 4 बजे छतें डाली, 3रा फ्लोर 4 हो रहा था। मजदूर यहीं के रिहायशी थे जो बच्चा पानी देने आया था। हाँ वो यहीं के रिहायशी थे, परदेसी लोग हैं, काम धंधा करते हैं। अभी उनको काम मिला हुआ था, वो काम कर रहे थे। कूलर बच्चे का वहाँ रखा हुआ है, वो जो पानी उसके वालिद साहब मिल गए, बच्चा नहीं मिला है, बच्चे का वाइफ सब मिल गया, डेड हो गई। तो कह रहे थे कि ये तो इमारत तामीर हो रही थी, तामीर और मजदूर काम कर रही थी। जो आप खातून का कह रहे हैं वो किस लिए आई थी? मकान देखने, रेंट पर देखने के लिए आई थी। अच्छा, वो देखने के लिए, सुना है कि वो देखने के लिए आई थी। वो मजदूर कह रहा था कि देखने के लिए आई है, मैं काम कर रहा था, वो आई थी अंदर। तो डेड बॉडी निकली नहीं, वो कुछ खातून जो गुजर रही थी उनकी निकली है, कुछ आदमी खड़े थे यहाँ पर उनकी निकली है, एक बाबा मिठाई बेचने वाला उसकी डेड बॉडी निकली है, बच्चों की निकली है। कितनी डेड बॉडी? मैंने 4-5-10 बॉडी जा चुकी है। और अभी इत्तलात है कि मजीद है।